बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेजर कल्सी क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम एनडीए कैडेट्स को मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे जेंटलमैन कैडेट्स को एकेडमी के अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग एकेडमी है जहां आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कैडेट्स को एक साथ ट्रेन किया जाता है और आखिरी सेमेस्टर में अलग अलग ट्रेड्स के अनुसार कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। तो चलिए आज बात करते हैं कैडेट्स को मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहली फैसिलिटी है क्लासरूम एंड हॉस्टल फैसिलिटी। एनडीए में कैडेट्स को बीए, बीएससी, बीटेक कराया जाता है। एनडीए के क्लासरूम्स और उनके टीचर सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं ताकि दिन भर की थकाने वाली ट्रेनिंग के बाद भी कैंडिडेट मानसिक रूप से दुरुस्त और चुस्त रह सकें। हर क्लासरूम में लैन कनेक्शन की फैसिलिटी भी दी जाती है। बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की, एनडीए का हॉस्टल हर कैडेट के लिए सबसे प्यारी जगह होती है। कैडेट्स को एक सिंगल रूम दिया जाता है, सोने के लिए बेड और रहने के लिए बेसिक एमिनिटीज भी अवेलेबल कराई जाती हैं। अगर हम बात करें सेकंड फैसिलिटीज की तो है आपके मेडिकल फैसिलिटी। ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को चोट और इलाज की समस्या तो लगी ही रहती है, इसलिए एकेडमी के कैडेट्स को फ्री मेडिकल सर्विसेज दी जाती है। इतना ही नहीं, कैडेट्स के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी मेडिकल फैसिलिटीज फ्री होती है। खास बात यह है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैडेट का इलाज होना संभव नहीं है तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और इसका भी खर्चा गवर्नमेंट ही बियर करती है। वहीं फैसिलिटी थ्री की बात करें तो लाइब्रेरी फैसिलिटी। एकेडमी में एक बड़ी लाइब्रेरी भी है जिसका नाम ब्यास लाइब्रेरी है। ब्यास लाइब्रेरी सुडान ब्लॉक के बाईं ओर स्थित है और इसका नाम प्रसिद्ध विद्वान, शिक्षक, गोल्फर और एडमिनिस्ट्रेटर श्री टीएन व्यास के नाम पर रखा गया है, जो 15 वर्षों तक एनडीए के प्रधानाचार्य रहे थे। एनडीए के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होने से पहले वो दून स्कूल में एक प्रतिष्ठित हाउसमास्टर थे और बाद में मेयो कॉलेज अजमेर के प्रिंसिपल थे। ब्यास लाइब्रेरी में कैडेट्स को अपडेट करने के लिए पूरी दुनिया के बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर मौजूद रहते हैं। ब्यास लाइब्रेरी में लगभग 90,000 से ज्यादा बुक्स हैं। लाइब्रेरी पूरी तरह से लैन फैसिलिटी से युक्त है और कैडेट्स को इस्तेमाल करने के लिए एक पर्सनल लैपटॉप भी मिलता है। वहीं फैसिलिटी नंबर 4 की बात करें तो कैडेट मेस की हम बात करेंगे। कैडेट्स मेस की जब बात होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में तो 1955 में शुरू आया कैडेट्स मेस एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेस है। इस मेस में लगभग 2100 कैडेट एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। पूरे मिलिट्री रूल के साथ चलने वाली इस मेस में 3 किचन और 1 फुल बेकरी है जहां कैडेट्स को पौष्टिक आहार मिलता है जो उन्हें फिट रखने में मदद करता है। कैडेट मेस के मेन्यू डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च से सिलेक्ट होकर आता है। इस मेस में कुक्स वेल ट्रेंड हैं और यहां के मसाल चीज को 45 मिनट में कैडेट्स को भरपेट खाना खिलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पांचवी फैसिलिटी की बात करें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं। एनडीए में स्पोर्ट्स की काफी अच्छी फैसिलिटी, यहां कैडेट्स को ओलंपिक खेलों में भी भाग लेते हैं। ओलंपिक मेडल विनर लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी एनडीए के कैडेट रह चुके हैं। अकेडमी में समय समय पर इंटर बटालियन और इंटरनेशनल स्क्वाडन चैंपियनशिप होते रहते हैं। अकेडमी में कैडेट्स को कम से कम एक स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हर टर्म में कम से कम 2 खेलों के नियम को जानना कंपलसरी रहता है। जो कैडेट्स खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें मेरिट कार्ड, ब्लू, हाफ ब्लू, ब्लेजर में दक्षता मिलती है। एनडीए में बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं जैसे फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, पोलो ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल आदि मौजूद हैं। छठी सबसे बेहतरीन फैसिलिटी एनडीए का ऑडिटोरियम। एनडीए में मौजूद हबीबुल्ला हॉल 1700 से भी ज्यादा कैडेट्स को एक साथ एंटरटेन करने की क्षमता रखता है। इस ऑडिटोरियम में लेक्चरेट, डिबेट, प्रेजेंटेशन, क्विज कॉम्पिटिशन, इंटर बटानियल एक्टिविटीज और कन्वोकेशन सेरेमनी भी आयोजित की जाती है। हॉल में सप्ताह में एक बार हिंदी और अंग्रेजी फिल्में भी दिखाई जाती हैं। फैसिलिटी नंबर 7, लैब्स। एनडीए में जितने भी कोर्स और सब्जेक्ट हैं सबके लिए इंडिविजुअल लैब्स मौजूद हैं, जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब और बहुत सारे लैब, जिससे कैडेट्स को हर तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का मौका मिल सके। इन फैसिलिटीज के अलावा कैडेट्स को भी कई फैसिलिटीज मिलती हैं जैसे जिम फैसिलिटी, स्विमिंग फैसिलिटी, हॉर्स राइडिंग फैसिलिटी, इंडोर आउटडोर क्लब्स और खास मौके पर उन्हें एनडीए में बाहर पूरे शहर या सिंहगढ़ किला भी घूमने ले जाया जाता है। ये थी एनडीए में मिलने वाली कैडेट्स को फैसिलिटीज की जानकारी। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को लेकर के अगले वीडियो में। और जो भी आपके दिल में आता है, जो भी जानकारी आप इंटरेस्टिंग तौर पे जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, आप मेंशन करिए। आपका हर आदेश सर आंखों पर, आपका जो आदेश होगा अगला वीडियो वही होगा। जय हिंद, जय भारत।